बात करते हैं हिमोलिटिक एनीमिया की यार। ठीक है, हिमोलिटिक एनीमिया किसको बोलते हैं? हिमोलिटिक एनीमिया इज एनीमिया टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हिमोलिटिक एनीमिया इज एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन एंड ये लेस देन 100 डेज में अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हिमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। एंड टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में दो तरह के होते हैं, एक एक्स्ट्रा वेस्कुलर है ना, एक होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, एक होता है इंट्रा वेस्कुलर, एक होता है इंट्रा वेस्कुलर एंड इंट्रा वेस्कुलर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रा कॉर्पस्कुलर एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर। ठीक है, इंट्रा कॉर्पस कुलर एंड एक्स्ट्रा कॉर्पस कुलर। जो इंट्रा कॉर्पस कुलर है वो दो प्रकार का होता है, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड। हेरिडिटरी जो है वो हमारे पास तीन प्रकार से हो सकता है, बिकॉज ऑफ द मेम्ब्रेन डिफेक्ट यार ना, मैनुअल डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे आरबीसी का लाइसिस हो जा रहा है, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट दी हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस एंड हेरिडिटरी एलिप्टो साइटोसिस, ये मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से ना। स्पिरोसाइट्स जो हैं मतलब आरबीसी जो बाइकॉनकेप होते थे वो इलेप्टिकल हो गए या फिर स्पिरोसाइटिक हो गए, उसकी वजह से लाइसिस हो गया। दूसरा एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से अगर लाइसिस हो रहा है, एंजाइम डेफिशिएंसी जिसमें हमारे पास है G6PD डेफिशिएंसी यार, एंड हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी। थर्ड है हीमोग्लोबिनोपेथीज, एंड हीमोग्लोबिनोपेथीज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सिकल सेल एनीमिया है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है यार कि हीमोलाइटिक एनीमिया बताओ, डिफाइन करो, क्लासीफाई करो एंड सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताओ, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम ये हीमोलाइटिक एनीमिया देख रहे हैं, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया देखेंगे। ठीक है, एंड ऐसे भी आता है हीमोलाइटिक एनीमिया बताओ या फिर थैलेसीमिया बताओ, है ना। थैलेसीमिया इज नथिंग बट टाइप ऑफ वॉट? हीमोलाइटिक एनीमिया, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हेरिडिटरी यार। एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड में आता है PNS, दैट इज प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में हमारे पास दो वैरायटी आती है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्यून मीडिएटेड है ना, एंड एक होता है नॉन इम्यून मीडिएटेड। एक होता है इम्यून मीडिएटेड, एक होता है नॉन इम्यून मीडिएटेड। जो इम्यून मीडिएटेड है यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट व्हाट है ना, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया की बात कर सकते हैं, एंड एबीओ एंड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, एबीओ एंड आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। अगर नॉन इम्यूनेटेड मीडिएटेड नॉन इम्यून मीडिएटेड एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया की बात करें तो वो क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन यार। ओके, सो ये बेसिक देखा हमने अबाउट दी हीमोलिटिक एनीमिया। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो यहाँ पे बस हीमोलिटिक एनीमिया की बात करते हैं, उसके बाद हम सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया की बात करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे नहीं आता हीमोलिटिक एनीमिया बताओ, क्वेश्चन आता है हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में बताओ, टाइप्स को बताओ एंड होता क्या ये बताओ, एंड बताओ कि सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या था, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको प्रिपेयर रहना। तो हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में क्वेश्चन आया तो आपको ये लिखना है, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं।